hello everybody, welcome back to our youtube channel, Inter learning academy. we are here with a new video for class 3 ncrt english unit 1, and the title of the poem is good morning. so, children, how do you feel when you wake up in the morning? how do you feel? of course, we feel happy. everybody likes waking up in the morning. so, like we see that sun is shining, birds are singing, fine. लेट्स सी वॉट इज दिस लिटिल चाइल्ड्स टू से मॉर्निंग क्या आपको सुबह उठना पसंद है सी वॉट द लिटिल चाइल्ड इन द पोए फील्स चलो देखते हैं ये गुड़िया को कैसा लग रहा है हाउ इज दिस गर्ल फीलिंग वैन शी वेक्स इन द मॉर्निंग वैन शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो लेट्स रीड द पोए फर्स्ट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्काई गुड मॉर्निंग सन Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now, too. I will be right out to play with you. Written by Fanny R. Buchan, Buchanan. So, who is the poet here? द नेम ऑफ द पोएट इज फैनी आर बोचानन सो चिल्ड्रेन वॉट इज दिस गर्ल ट्राइंग टू टेलर्स वैन शी वेक्स अपन द मॉर्निंग जब वो सुबह उठती है शी she says good morning to the sky आसमान को गुड मॉर्निंग बोलती है दैन शी says गुड मॉर्निंग टू द सन फिर वो सन को गुड मॉर्निंग कहती है गुड मॉर्निंग लिटिल winds दैट रन फिर वो गुड मॉर्निंग किसे कहती है जो ठंडी ठंडी हवा चलती है धीरे धीरे उसे भी कहती है गुड मॉर्निंग बर्ड्स She says good morning to birds. Then good morning trees. So children, Jab ye Jab ye girls. She says good morning to the sky. She says good morning to the sun. She says good morning to the little winds that runs. And she says good morning to the birds and good morning to the trees. And creeping grass and brownie bees. Now, children, what do you mean by creeping? Creeping ka hota hai. जो छोटी छोटी नई घास उगती है धीरे धीरे उगती है दैट इज कॉल्ड एज क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज अ डे तुम्हें कैसा पता चल गया कि ये दिन है हु टोल यू नाइट हैड गॉन अवे तुम्हें किसने बताया कि रात चले गई है आई एम वाइड अवेक आई एम अप नाउ टू अब मैं पूरी तरह जाग गई हूँ आई एम अप नाउ टू का मतलब होता है मैं बेड से भी उठ गई हूँ आई वी राइट आउट टू प्ले विथ यू अब ये जो गर्ल है ये कहने लगे सन से स्काय से कि मैं पूरी जगह पूरी तरह उड़ गई हूँ अब मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ खेलने के लिए गार्डन में आ रही हूँ सो चिल्ड्रेन वॉट आर द न्यू वर्ड्स दैट वी लर्न इन दिस पोम क्रीपिंग जिसका मतलब होता है जो छोटी छोटी नई घास उकती है दैट इज कॉल्ड एस क्रीपिंग देन वी हैव अवेक अवेक का मतलब होता है जाग जाना देन वी हैव गॉन अवे गॉन अवे का मतलब होता है Chale jana. So, children, let us read a poem. Uh, let us read this poem once again. Good morning, sky. Good morning, sun. Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees. And creeping grass and brownie bees. How did you find out it was a day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I will be right out to play with you. नाउ चिल्ड्रेन रीडिंग इज फन वाई इज द चाइल्ड इन द पोम हैप्पी जो लड़की थी जो गर्ल थी वाई शी इज हैप्पी शी इज हैप्पी बिकॉज सुबह हो गई है सुबह उठते ही वो सबको गुड मॉर्निंग कहने लगी है द चाइल्ड इन द पोएम द चाइल्ड इज हैप्पी इन द पोएम बिकॉज इट इज मॉर्निंग नाउ क्यों खुश है वो बिकॉज सुबह हो गई है नेक्स्ट टू होम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग चाइल्ड मतलब जो गर्ल थी पोयम में वो गुड मॉर्निंग किसे कहती है वो सन स्का चाइल्ड से गुड मॉर्निंग टू द सन स्का बर्ड्स बीज ट्रीज एंड ग्रास नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू चाइल्ड को क्या करना है चाइल्ड को बाहर जाके खेलना है द चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड एंड प्ले शी वॉन्ट्स टू गो एंड प्ले आउटसाइड फाइन नाउ लेट्स टॉक चलो बातें करते हैं कुछ इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग एट नाइट आई से गुड नाइट इज मोमो से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर सो चिल्ड्रेन आप लोग गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं सुबह उठ के आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखोगे और बोलोगे सुबह क्यों क्या बोलेंगे हिंदी में सुप्रभात आप सुप्रभात अपने फ्रेंड से भी कहोगे आप सुप्रभात अपने टीचर से भी कहेंगे फाइन नेक्स्ट हाउ वुड यू विश डैम वेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग आप जब स्कूल से वापस घर आते हो तो आपके टीचर को क्या बोलते हो गुड बाय भी बोलते हो गुड इवनिंग भी कहते हैं फाइन डू वी से वी से द गुड बाय टीचर और गुड इवनिंग टीचर नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग लेट्स से अलाउड Find words in the poem which rhyme with bees, day, and two. So, children, what we have to do here is we have to find the rhyming words of bees. So, what is the rhyming words of bees here? Bees, trees, day, away, two, यू सो चिल्ड्रन ये राइमिंग वर्ड्स आप दूसरे भी लिख सकते हैं बट क्वेश्चन में यह बोला गया है कि आपको वही राइमिंग वर्ड्स लेने हैं जो इस पोएम में दिए गए हैं फाइन सो लेट अस सी द पोयम वंस सो आपको समझ में आ जाएगा ट्रीज अवे एंड यू सी ट्रीज बीज का ट्रीज हो जाएगा टू का यू हो जाएगा फाइन एंड एक वर्ड और था वॉट वॉज दैट वर्ड that word was day ka abhi ho fine children let us revise once again just a second rhyming words of trees bees day away to and you fine children let's repeat again trees bees day away to and you so these are some of the rhyming words that we find in the, found in the poem poem Next, B's, 3's, day, away, 2 and you. What do you see around you during the day and at night? Draw in the two boxes given below and color the picture. Now, what do you have to do here, children? There are two boxes given here one is day and another one is night. वॉट हमको यहाँ पे क्या करना है वी हैव टू ड्रॉ द पिक्चर यहाँ पे बहुत छोटा बॉक्स था तो आई वॉज नॉट एबल टू ड्रॉ इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज बना लिए चलो यू कैन मेक द ड्रॉइंग्स यूजिंग कलर पेंसिल्स सो किस चीज की ड्राॅइंग करनी है यहाँ पे डे का सीन करना है एंड इस बॉक्स में आपको नाइट दिन में क्या क्या दिखते हैं गाइज मी ड्रॉ य बहुत सारे बर्ड्स उड़ते रहते हैं दिन में आपने देखा ही होगा सन होता है दिन में फाइन चिल्ड्रन आप ऐसी छोटी सी ड्राइंग यहाँ पे बना लेना दिन में क्या दिखता है वॉट आर द थिंग्स एट वी कैन सी ड्यूरिंग डे सन वी कैन सी वी कैन सी मेनी बर्ड्स गोइंग घर एंड देयर प्लेइंग डांसिंग एंड सिंगिंग नाइट नाइट में क्या दिखता है वी सी मेनी स्टार्स एट नाइट वी ऑल्सो सी मून एट नाइट सो चिल्ड्रेन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस एंड यू कैन कलर मेक श्योर दैट यू डू इट विद पेंसिल डोंट यूज क्रेऑन बिकॉज उसका इंप्रेशन फिर नेक्स्ट पेज में आ जाएगा Fine now let's move to the next slide write two words each from the two pictures you have drawn day and night now what you have to do here children day may se, se words liye the day mein kya banaya tha humne, humne sun the and we also made birds let's check once just a second I'll show you see

This is mud, a big fat worm lives in the mud. A leaf falls in the mud. It is इट worm, अ व So ये कीड़े के बारे में बताया गया है इस पोयम में कि की ये कीड़ा क्या रहता है It lives in mud, मिट्टी में रहता है ज़मीन में रहता है और क्या खाता है जब कोई भी पत्ता नीचे गिरता है लीव गिरती है नीचे तो वो उसे खा जाता है वही उसका वही उसका डिनर हो जाता है Next, form groups, tell each other an interesting thing you have ever seen in the garden. गार्डन में वी कैन सी मेनी बटरफ्लाइज वी कैन ऑल्सो सी ग्रास ग्रासरोपर्स और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं जो हम लोग गार्डन में देखते हैं नाउ सॉन्ग टाइम आई लाइक टू सिंग वैन द सन इज शाइनिंग ला 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 ला। आई लाइक टू सिंग वैन द सन इज शाइनिंग दिस बॉय इज टेलिंग से जब सूरज चमकता है सन का मतलब होता है सूरज शाइनिंग मतलब होता है चमकता है इससे बहुत अच्छा लगता है यह कैसे गाना गाता है दिस इट्स ऑल फॉर टूडे चिल्ड्रेन आई होप यू हैव लव दिस वीडियो विल मेक यू सून विद्यू वीडियो टिलेक केयर एंड स्टे ब्लेस थैंक यू